बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हुराज रॉब देख रहे हैं स्टोन मीडिया शुरू चैनल। बिहार डिलर इंट्रेंस एग्जाम 2024 वैसे छात्र छात्र है जिन्होंने अपना इंट्रेंस एग्जाम दिया था डीएलएड में एडमिशन के लिए। डीएलएड का रिजल्ट सहित स्कोर कार्ड पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से आप अपना बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल ओपन करने के साथ गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको लिखना है studentsmedia.in। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पेलिंग ऐसा लिखिएगा अपने गूगल में और सर्च कीजिएगा इस वेबसाइट को। तो आई एम स्टूडेंट, आप देख पा रहे कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद देख पा रहे जो फर्स्ट पर है studentsmedia.in, आप देख पा रहे ये वाला लिंक, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। देख पा रहे बेस्ट एजुकेशनल न्यूज वेबसाइट, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पर जो डीएलएड का रिजल्ट आया है उसका पोस्ट आपको दिख जाएगा। इसमें कॉलेज लिस्ट भी है और रिजल्ट चेक करने वाला भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं डीएलएड रिजल्ट 2024 इस वाले पोस्ट पर जो है कि आपको एक बार क्लिक करनी है। कुछ ऐसा यदि एड वगैरह आता है तो यहाँ पर कट का निशान दिया रहता है, आप उसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग नीचे आइएगा, हल्का नीचे आइएगा। देखिए एडमिशन के समय लगने वाले सब डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट देख पा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट 2024 क्लिक हेयर, और नीचे कॉलेज लिस्ट भी है। कॉलेज लिस्ट भी देखने का मन हो देख लीजिएगा। फिलहाल बिहार डीएलएड इंट्रेंस रिजल्ट 2024 ये जो क्लिक हेयर है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से देख पा रहे यहाँ पर अब आपको फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जाएगा। देखिए रिजल्ट जो है 14 जून को जारी किया गया है और 4 जुलाई तक ही वेबसाइट पर रहेगा। तो आप लोग रिजल्ट अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा, 4 जुलाई के बाद इसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। मैं यहाँ पर डालता हूँ एक एप्लीकेशन नंबर, हालांकि मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता। जिस भी कैंडिडेट का है उनका भी जो है कि प्राइवेसी का ख्याल रखना है। आप देख पा रहे ये एप्लीकेशन नंबर हो गया और डेट ऑफ बर्थ में देखिए ये दिन और डैश और मंथ डैश और ईयर देख पा रहे। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे देखिए यहाँ पर जो है ना 14/6/2024 कैसे लिखा हुआ है 14 और यहाँ पर डैश फिर 06/2024 लिखा हुआ है ना। यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं कि 14/6/2002 होगा तो बस एकदम 14 भी डालना है और डैश भी डालना है, 06 भी डालना है और 2002। उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं यदि किसी का 4/7/2002 होगा तो 04 डालेंगे, फिर डैश डालिएगा, फिर 07 डालिएगा, फिर डैश डालिएगा, फिर 2002, 2003, 2005 जो भी होगा वो डालिएगा। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ इनका जो डेट ऑफ बर्थ है। तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 03 है, उसके बाद से फिर 0 लगा करके जो इसका मंथ है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद से जो इसका ईयर है तमाम स्टूडेंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद से लॉगिन वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए थोड़ा देर इंतजार करना है, देखिए खुल गया ना रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, मदर नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, नीचे कैटेगरी है और ऑप्टेन स्कोर में देखिए कितना नंबर आपको आया है और ओवरऑल रैंक क्या है यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। कैटेगरी रैंक क्या है यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। फिलहाल इतना जो है कि आप लेकर के रखिए, इतना करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितना जो है कि रैंक पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना रैंक पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो तमाम स्टूडेंट आइए गूगल पर सर्च कीजिए studentsmedia.in, बिहार डीएलएड इंट्रेंस का जो है कि रिजल्ट आ गया हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा और यहाँ से जो है कि इस पोस्ट में, इस पोस्ट के अंदर लिंक दिया गया है। ध्यान रखिएगा एक बात बहुत खराब, पता है क्या है कि मोबाइल में जो है ना ये लिंक मोबाइल में नहीं खुल रहा है। तो आपको जो है कि अपना रिजल्ट जो कि देखना होगा वह आपको जो है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से या टैबलेट से ही आपको देखना होगा। तो आइए सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में जो है कि इसका लिंक दिया गया है वहां से भी आकर के आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।